हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर वीरवार को पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं, विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, आईटीबीपी व हरियाणा पुलिस के जवानों व पंचकुला वासियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वह स्वयं भी इस दौड़ में भाग लिया। आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लगातार पिछले 5 वर्षों से मना रहे हैं। हमको मालूम है कि आज का दिन अपने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती का दिन होता है। 144वीं जयंती आज उनकी है। उन्होंने इस देश की एकता के लिए इतना बड़ा काम किया। आजादी के प्राप्त होते ही जब अपना देश 550 से ऊपर रियासतों में बटा हुआ था, उन्होंने अपने प्रयत्नों से एक साथ 562 रियासतों को मिलाकर और इस देश की एकता का जो परिचय दिया वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। ऐसा कभी भी इतिहास में मिलता नहीं कि इतना बड़ा एकता का जो काम किसी एक व्यक्ति ने किया हो। और उस समय 3 रियासतें जो बच गई थी, उसके बाद उनके प्रयत्नों से बातचीत करके 2 अन्य रियासतों को भी मिला लिया गया, हैदराबाद और जूनागढ़। बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक रियासत जम्मू कश्मीर, जिसका विलय पूर्ण रूप से उस समय नहीं हो पाया था, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने अभी इसी वर्ष संविधान का अनुच्छेद 370 पहले का बचा हुआ काम वो इस वर्ष कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्वप्न है वो पूरा हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि देश पहले बाकी सब बाद में, इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जैसे बचपन में स्कूल में एक नारा बोलते हैं कि इस देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे, ये केवल बच्चों का, बालकों का, छात्र छात्राओं तक नारा सीमित नहीं, बल्कि देश का हर नागरिक अपने मन में इस स्वप्न को संजोए कि इस देश की रक्षा, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर मैं सभी आप बंधुओं के माध्यम से अपने प्रदेश के नागरिकों को यही आह्वान करूंगा कि हम लोग इस दौड़ के माध्यम से, रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एक संदेश दे कि हम देश की रक्षा करने में सर्वप्रथम आगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।